नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्सेस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज पार्ट नंबर है ट्वेंटी फाइव आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बे हिंदी मॉडल क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो बे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों ईयर के छात्रों के, के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्रों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी को मालूम है हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी होता है और ये सारे जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सारे प्रीवियस यानी कि पिछले कई सालों में कई बार रिपीट भी हुए हैं ठीक है तो आने वाले एग्जाम में ये सारे आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं सारे क्वेश्चन तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन समझिएगा ठीक है क्योंकि इस वीडियो से आपके पाँच से छः नंबर क्लियर होने वाले हैं क्योंकि आप सभी को मालूम कि प्रताप नारायण मिस्र जिससे रिलेटेड एग्जाम में हिंदी के एग्ज़ाम में पाँच से छः क्वेश्चन आते ही आते हैं जिसमें से अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझेंगे सही क्वेश्चन अगर आप सही समझेंगे तो तीन चार नंबर तो आपके कन्फर्म हो जाएंगे ठीक है तो ध्यान समझिएगा बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए ठीक है और आप सभी पहले वीडियो देखिए वीडियो के लास्ट में और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है ठीक है सभी छात्रों के लिए ठीक है पहला क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था ऑप्शन है कि गोंडा बी नंबर उन्नाव जिले सी नंबर शाहजहाँपुर और डी नंबर है कटक तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था ऑप्शन आप आपको मिल गए हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पहला है आप सभी को ऑप्शन मिलेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी नंबर ठीक है उन्नाव जिले में आने वाले अभी तो मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बताऊंगा लेकिन आने वाले दिनों में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो उसमें आप सभी को इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देना होगा ठीक है इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पिछले तीन चार सालों से जो रूल्स आया है वो ऑब्जेक्टिव यानी फर्स्ट ईयर में तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सौ के नंबर सौ ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं और जो बात रही इनकी यानी कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की इसमें भी दस से पंद्रह नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ठीक है तो लेखक और कभी तो सेम ही रहते हैं ना तो उससे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं और क्वेश्चन एक ही जैसे कुछ आपको मिल जाएंगे ठीक है तो ध्यान समझिएगा लिखा है कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था तो ऑप्शन आप आपको मिल जाएंगे अट्ठारह सौ छप्पन अट्ठारह तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म हुआ था वो सन अट्ठारह में हुआ था क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ए नंबर ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग के निबंधकार थे नंबर एक है द्विवेदी युग के भारतीय छायावादी के प्रगतिवादी के तो आपको इसी तरह एग्जाम में भी ऑप्शन मिलेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र जी भारतीय युग के निबंधकार थे राइट right आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन है कि मन की लहर किसकी कृति है नंबर एक रामचंद्र शुक्ल की बी नम, प्रताप नारायण मिश्र की हजारी प्रसाद की डॉक्टर राम कुमार वर्मा की तो मन की जो लहर है वो कृति श्री हजारी सॉरी प्रताप नारायण मिश्र जी की है ठीक है इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ठीक है ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए भी हैं और इस बार भी आ सकते हैं तो एक क्वेश्चन ध्यान समझिएगा जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है और इन सभी क्वेश्चन और आंसर की जो पी है वो वीडियो के डिस्क्रप्सन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो उस पर ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन और आंसर सहित डाल दूंगा तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ठीक है लिखा है कि ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किसने किया था भारतीन ने डॉक्टर जगमोहन ने मे प्रेमघन ने प्रताप नारायण मिश्र ने क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था इसलिए राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा डी नंबर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है कि निबंधकार के अनुसार ईश्वरा इस्वा, धन सॉरी ईश्वराराधन के लिए कौन सा उपादान अति महत्वपूर्ण है नंबर एक तप प्रतिमा दया दान क्वेश्चन तो का राइट right आंसर हो जाएगा बी नंबर ठीक है प्रतिमा राइट right आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रतिमा चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन लिखा है निबंधकार के अनुसार पूजा का क्या अर्थ है नंबर एक परोपकार प्रसन्नता सत्कार दुत्कार तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि निबंध के अनुसार ठीक है निबंधकार के अनुसार पूजा का क्या अर्थ है यानी कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो पूजा का क्या अर्थ मानते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सत्कार आप भी ध्यान में रखिएगा पूजा का अर्थ होता है सत्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जैसे हमें कई बार आ भी चुका है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लिखा है कि आपके पाठ्यक्रम में प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध है यानी कि जो प्रताप नारायण मिश्र का आपके जो बुक है उसमें कौन सा लेसन कौन सा पाठ्यक्रम है ठीक है कौन सा निबंध है आपके पाठ्यक्रम में बुक में यानी आप मिल जाएगा वीरता ईश्वर की मूर्ति और नंबर उत्साह डी नंबर कुटज क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ईश्वर की मूर्ति ठीक है बी नंबर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि बात निबंध किसका है नंबर एक पंत जी का मिश्र जी का प्रसाद जी का निराला जी का तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा वो बात निबंध है वो मिश्र जी की यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी की इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर ठीक है क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं वहाँ पर मिस्र होगा यानी उनका सर नेम होगा तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा कि प्रताप नारायण तो लिखा नहीं इसमें मिस्र लिखा है तो आप ध्यान में रखिएगा इसका मतलब प्रताप नारायण मिश्र हुआ अगला क्वेश्चन है कि वेदों में ईश्वर के किस वेदों में ईश्वर के किस स्वरूप का वर्णन है नंबर एक सक्षम अत सक्षम विराट इनमें से कोई नहीं तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेदों में ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन है इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति निबंध की भाषा किस युग की भाषा से मेल खाती है नंबर एक शुक्ल युग की छायावादी की द्विवेदी युग की भारतीय हिंदु युग की क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर भारतीय हिंदु युग की ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईश्वर की मूर्ति निबंधकार के अनुसार ईश्वर ने आदम को किस स्वरूप में बनाया है नंबर एक शैतान बी नंबर दूसरे के अपने के हैवान के तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर अपने ठीक है राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अपने चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लिखा है कि दिवा दिवाली में उपासना निबंध में कौन सी शैली प्रयुक्त है नंबर एक है समाज शैली व्यास शैली चित्रात्मक शैली तरंग शैली तो दिवाली में उपासना निबंध में जो शैली प्रयुक्त है वो है तरंग शैली इसलिए क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लिखा है कि अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर की मूर्ति शीर्षक निबंध की शैली किस प्रकार की नंबर एक विचार प्रधान हास्य व्यंग सी नंबर है।, है का और खा दोनों डी नंबर में से कोई नहीं तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर की मूर्ति शीर्षक निबंध में जो शैली है वो विचार प्रधान और हास्य व्यंग भी है इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ठीक है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि लेखन कला में प्रताप नारायण मिश्र किसे अपना आदर्श मानते थे नंबर एक है हजाय प्रसाद द्विवेदी की बी नंबर भारतीय हरिश्चंद्र के सी नंबर महावीर प्रसाद के डी नंबर है रामचंद्र शुक्ल के ठीक है तो जो क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा लेखन कला में प्रताप नारायण मिश्र किसे अपना आदर्श मानते वो मानते हैं भारतीय हरीश चंद्र को इसलिए राइट right आंसर हो जाएगा बी नंबर ओके चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि दात नामक निबंध में मिश्र जी ने किस शैली का प्रयोग किया नंबर एक तरंग चित्रात्मक समास कला तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्रात्मक बी नंबर ठीक है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लिखा है कि धोखा वृद्ध निबंध किसका है तो ऑप्शन आप आपको मिल जाएंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर प्रताप नारायण मिश्र ओके चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन सा है लिखा है कि सोने का डंडा किसका वैचारिक निबंध है दिनकर का यशपाल का रामविलास का प्रताप नारायण मिश्र का तो सोने का डंडा जो वैचारिक निबंध है वो है प्रताप नारायण मिश्र जी का इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लिखा प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कहाँ हुई थी दिल्ली में आगरा में कानपुर में मेरठ में तो जो प्रताप नारायण मिश्र जी थे उनका देहासन यानी कि देहांत या फिर निधन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जो हुआ था तो वो हुआ था कानपुर में इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ठीक है अगला क्वेश्चन है कि प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कब हुई थी अभी ये क्वेश्चन था कहाँ हुई थी अब कब हुई थी ये भी क्वेश्चन है लिखा है उन्नीस में अठारह में और उन्नीस में और ऑप्शन आप लोगों को लास्ट मिल जाएगा उन्नीस ठीक है तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर अट्ठारह सौ में प्रताप नारायण की मृत्यु हुई थी ठीक है राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रताप नारायण मिश्री से पूरे ट्वेंटी क्वेश्चन इंक्लूड किए थे इस वीडियो में जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए और इंपॉर्टेंट भी हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए तो अगर आप वीडियो को ध्यान से समझे होंगे क्वेश्चन को समझे होंगे तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई सुझाव है तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आप लोग कमेंट करेंगे तो और इस सभी क्वेश्चन जितने इस वीडियो में उनका क्वेश्चन और आंसर सहित आपको पी जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और आप डाउनलोड कर लीजिए पी ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद